पुनाना में बल्ला 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 रईसा खान को तीसरी बार मिला चुनाव चिन्ह बल्ला। बल्ला चुनाव चिन्ह पर एक बार निर्दलीय बन चुके हैं विधायक। इस बार पुनाना विधानसभा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास को दे रहे कड़ी टक्कर। बता दें कि पुनाना विधानसभा सीट से एक बार चुनाव चिन्ह पैट बल्ला के निशान पर निर्दलीय विधायक बन चुके रईसा खान को लगातार तीसरी बार पैट बल्ला चुनाव चिन्ह मिला है। बल्ला उनका पसंदीदा चुनाव चिन्ह होने के साथ साथ लकी चुनाव भी चिन्ह साबित हुआ है। दरअसल पुनाहाना विधानसभा में अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार मोहम्मद इलियास विधायक बने हैं तो 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रईसा खान ने बाजी मारी है। इस बार भी दोनों चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास पर दाव लगाया तो रईसा खान एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। इस बार भी इन दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। वे 2 बार यहां से विधायक बने हैं, लेकिन दोनों बार अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते। लेकिन रईसा खान ने इसी चुनाव चिन्ह पर हैट्रिक लगाई है। उनका कहना है कि उनके ज्यादातर समर्थकों को और मतदाताओं को इस चुनाव चिन्ह के बारे में अच्छी तरह से परख है। साथ ही साथ पुनाना विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले नेताओं की संख्या कम है, इसलिए उनको यह पसंदीदा चुनाव चिन्ह मांगने पर आसानी से मिल जाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी पल्ला का निशान विजयी घोषित होगा और न केवल मुझे यह चुनाव चिन्ह पसंद है बल्कि मेरे समर्थकों को भी पल्ला का चुनाव चिन्ह पसंद है। सबसे खास बात तो है कि जो पिछले 2 चुनाव हुए उनके पास इसी चुनाव चिन्ह की सामग्री बची हुई है, वह भी इस बार वही चुनाव चिन्ह मिलने के कारण इस्तेमाल में आ सकती है। कुल मिलाकर पल्ला का निशान निर्दलीय उम्मीदवार रईसा खान के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत साबित हो रही है। उनके मतदाताओं में भी तीसरी बार पल्ला का चुनाव चिन्ह मिलने से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार हाथ कामयाब होगा या फिर बल्ला कामयाब होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक पुनाना विधानसभा में जो स्थिति दिखाई दे रही है, इन दोनों के ही बीच सीधा सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चुनावों से संबंधित खबर रोजाना देखते रहिएगा। चौधरी साहब, नामांकन की छटनी हो चुकी है और चुनाव चिन्ह विदित कर दिए गए हैं, आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, क्या कहना चाहिए? देखो, चुनाव चिन्ह हमें जो मिला है बल्ला का निशान है, लगातार तीसरी बार मिला है और लोगों की च्वाइस भी यही थी कि हमें बल्ले का निशान मिले। लगभग हमने तैयारी पूरी कर रखी है, सभी लोगों को इसके बारे में पता है बल्ले का निशान है, ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। और निशान मिलने से लोगों में बड़ी खुशी है इस बात की कि अच्छा निशान हमें मिला, जिसको हम चाह रहे थे वही निशान हमें मिला। इस तरह का बल्ला को आप लकी मानते हैं, एक बार उसने हराया था, एक बार जिताया था, इस बार क्या उम्मीद है? देखो, मेरे लिए तो लकी है, जब बल्ला से एमएलए बना तो मैं तो लकी मानता हूँ उसको, अच्छा निशान मिले, इंशाल्लाह जीत होगी निश्चित। बल्ला को लेकर कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? भाई पूरा उत्साह, फेसबुक देख लो, बल्ला ही बल्ला चल रहा है और कोई बात नहीं, फुल उत्साह लोग। चुनावों की हम बात करें तो किस तरह से रुझान है आपका, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? देखो, जो हमारी तैयारी चल रही है, हर गांव में हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मतलब हर गांव में हमारी अक्सरियत है, कहीं 60 कहीं 70 कहीं 80 कहीं 60, मतलब 50 पे कोई गांव नहीं है, 2-4 गांव छोड़ के, और भारी वोटों से हमारी जीत होगी ये उम्मीद है। इनेलो के भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, किस तरह से कहाँ अपना मुकाबला मानते हैं? देखो, अभी तो भाई लग नहीं रहा किसी से मुकाबला, आगे देखो धीरे धीरे जब चुनाव चलेगा, अभी तो बहुत पीछे हैं सभी, जब मुकाबला होगा तब पता चलेगा धीरे धीरे क्या होता। गांव का जो काफी चर्चाओं में रहा वो गांव, तो किस तरह से आपकी तरफ समर्थन मिला है, क्या कहते हैं? देखो, नेहदा गांव जब असलियत पता चली है, इस बार वाक्य क्या है, ये सारा षड्यंत्र है, राजनीतिक स्टंट था, जैसे अभी एक उस पर आई भी थी, फेसबुक पे भी चली थी, तो लोगों के समझ में ये बात आ चुकी है, विधायक जी का कोई कसूर नहीं था और उसकी खुशी में आज लोगों ने जैसा जन समर्थन दिया, मेरे ख्याल 80% लोगों ने आज वहाँ समर्थन दिया। क्षेत्र में इस तरह के कांड ना हो, विधायक बनते हैं तो किस तरह के प्रयास क्षेत्र पूरे करेंगे? देखो, हमारा तो मेन मुद्दा विकास का ही रहेगा और लोगों से यही अपनी सुरक्षा, ये सारी जो चीजें अपने ज्यादा विकास पे हम फोकस करेंगे इस बार।